ये छोटा हो गया, इस पर डोरीमोन ने स्मॉल लाइट मार दी। भाई साहब हमारा ग्रुप डे कौन सा है आज का? डे थ्री स्टार्ट हो चुका है और हम जा रहे हैं दूध सागर वाटरफॉल। और वो वाटरफॉल ना हमने नेट पर देखा आज तक सिर्फ, और वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है देखने में। हम दूध सागर वाटरफॉल जाएंगे और एक जगह और है, क्या नाम है उसका? चराव आईलैंड। चराव आईलैंड है, वहाँ जाएंगे। दोनों जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। और जो इससे अलग लोग आएंगे उसको जरूर देखना, उसमें हम करेंगे वाटर एक्टिविटी। अरे देखो घूमने की बात तो पता ऐसी है, हमने क्या क्या घूम लिया। हमने कैमडोरन बीच घूम लिया, पर्पल मार्टिनी घूम लिया, अंजुना बीच घूम लिया, अगोडा फोर्ट घूम लिया, क्रूज पार्टी कर ली। अभी हम जा रहे हैं दूध सागर वाटरफॉल, उसके बाद हम जाएंगे चराव आईलैंड गोवा। ये आसाम की वाटर एक्टिविटीज है। उसके बाद हमारे कल के कुछ और प्लान है। तुम तो यहाँ 6 बार आते हो हफ्ते में, वो भी तो हमें यहाँ नई बात पता चली। अगर आप दूध सागर वाटरफॉल आएंगे तो आप चाहे अपनी गाड़ी बाहर से लाए हो या गोवा नंबर की हो, आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। एक ऑफिस है बना हुआ गवर्नमेंट का, वहाँ आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होगी, जिस पार्किंग का 100 रुपये पर कार का हो जाएगा फीस जाएगी। उसके बाद आप एक जीप बुक करेंगे जिसका पर पर्सन 560 रुपये चार्जेज जाएंगे। हाँ, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई कंसेशन नहीं होगा, कुछ भी छूट नहीं होगी चाहे कितने भी लोग हो। और बस अब हम चलते हैं, और हम गाड़ी से निकल चुके हैं, और हम जाएंगे अपने टिकट कटाएंगे और हम वाटरफॉल में जाएंगे। तुम ये तो हमारे यहाँ भी हैं बहुत सारे, यो अंजीर का पेड़ यू वाला। ट्रैक शुरू कर चुके हैं भैया, हमें कितनी देर लगेगी वाटरफॉल तक पहुँचने में? 45 मिनट्स। और वहाँ में 1.5 घंटा मिलेगा रुकने के लिए, और 45 मिनट्स वापस। ओ भाई बहुत मजा आने वाला है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप यहाँ से पानी की बोतल अपने साथ लेके जाते हैं तो वो वापस लेकर आनी है। अगर आपने एक पानी की बोतल ऊपर फेंक दी तो वापस आते वक्त 200 रुपये फाइन देना पड़ेगा, और वो चेक करेंगे और सब जगह कैमरे लगेंगे, उस कैमरे में वो लोग देख भी लेंगे। हम 1 घंटा चले गाड़ी से, और अब हम लगभग 15 मिनट पैदल चलेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे और यहाँ हमारे सर मिले। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, दुनिया ना बहुत छोटी है यार, सही नहीं कह रहा मैं ये? बिल्कुल सही कह रहा। हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, ना हमारी बात हुई, हम सामने से आ रहे थे और सामने से सर आते थे अपनी स्कूटी लेके। हाँ, हम जब थाईलैंड गए थे हमें सर वहाँ भी मिल गए थे, ये एलिफेंट को बनाना खिला रहे थे और हम उसे बांस से मार रहे थे। मुकुल भैया भी गए थे थाईलैंड। और पता कैसे गए थे? हमने ना फ्लाइट के टिकट नहीं कटाए थे, अब लास्ट मोमेंट में प्लान बन गया हमारा, तो हम पहिए पर लटक के चले गए। ए बंदर शू हुर। नहीं नहीं कोई, अरे मुझे पता है ये फोटो खिंचवाने टाइम फिर ले लेंगे। ओ भाई यही है क्या? ये तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था फोटो में, ये छोटा हो गया, इस पर डोरीमोन ने स्मॉल लाइट मार दी। मेरी पिंक कलर की जैकेट का है सर, ये रही। अच्छा, पिंक की पिंक पहनी है। मैं पिंक वाली थी मेरी मैचिंग की। ओ भाई शाम को कहाँ जा रहे हैं आप? आसाम को। कहीं भी ले चलो, मैं तो निठल्ला बेरोजगार मैं निठल्ला बेरोजगार हूँ। आइयो तो कूदना कहाँ जाके है। अब भाई
हम क्या कहते हैं, हम खतरनाक वाले हैं, हमें नहा के हम ये छोटे हमारे साथ छोटे बाबू आए हैं, इनके लिए हम इसमें आए हैं। ये इतनी हैं इतनी गहरी गंगा में भाई की बेइज्जती कर रहे हैं हम। हमने इतना समझाया भाई को, हमारे भाई माने नहीं। भैया बहुत तेज भाव है, बहना जाओ कहीं, मेरे भी लपेट रहे थे। साहब कैसा लगा आपको? मजा आ गया है। तो ये दूध सागर वाटरफॉल था, क्या था? दूध सागर वाटरफॉल पिया था पानी, मुकुल भैया ने कह रहे थे मीठा मीठा पानी है इसका। और हम नहाए थे जहाँ वो झरना जस्ट गिर रहा है ना, जहाँ वो पानी गिर रहा है वहाँ से नीचे हम नहाए थे। तो मुकुल भैया डरपोक का थोड़े से, तो वो यहाँ नहाए, और ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी एरिया है तो यहाँ जाना मना है, मगर हम फिर भी चले गए थे। बहुत इंजॉय करा। बस ऐसी जगह एक दिक्कत होती है, फ़ोन नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर गिर गया तो फिर तो कभी नहीं मिलेगा। और इसकी गहराई किसी को भी नहीं पता थी कि वो जहाँ झरना गिर रहा है वहाँ कितना गहरा है। तो फ़ोन बाहर छोड़ गया दूसरों के भरोसे कि कोई हमारी वीडियो बना लेगा। अब वो बाद में पता चलेगा जब एडिट करने बैठूंगा कि किसने कितनी वीडियो रिकॉर्ड करी है मेरी। हम वाटरफॉल से नीचे आ चुके हैं और भाई बहुत सुंदर जगह थी। मैं कपड़े चेंज कर लिए, ये शर्ट मैं पहन के आया था, मगर वाटरफॉल पर जाते हुए ब्लैक शर्ट पहन ली, नीचे ट्राउजर डाल लिया है क्योंकि शॉर्ट्स खत्म हो गए यार, 3-4 लाए था सारे पहन लिए, अब खरीदने पड़ेंगे क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते ना। तो अपना एक्सपीरियंस तो बताओ भाभी, एक्सपीरियंस। ओ इनका पैर फिसल गया था भाई, ये तो ब्रो अपना एक्सपीरियंस बढ़िया था, पत्थर के ऊपर बैठे रहना बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। जी कद्दू कूदे भाई, मेरे चक्कर मर जाते हैं, मजा आया भाई, है ना? क्योंकि तुम डर के और कोई काम सक्सेसफुली कर लेते हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है। इनकी ब्रेवरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये तो बस रहना था, यही मूड। जो मैंने बोला ना कि डरने के बाद भी अगर तुम किसी काम को करते हो तो उसमें और ज्यादा मजा आता है करने के बाद। ये आदमी उसके उल्टे ही है, इन्हें डर लगता है करना ही नहीं चाहते फिर उसके बाद। नहीं डर लगता बिना हो जाइए, बिना करे ही डर लग जाता है इनको। उतर के जाऊं? अरे चला जा रहा हूं। अरे क्यों जाना, क्या इतना अब तो बहुत दूर चला गया। यार वीडियो में नहीं दिखा बिल्कुल भी। अरे पुजारा इधर वो देखो, वो पेड़ के पास जो है ना है भैया, हमारे घर में निकलते रहे अपनी तरह मान रहे हो।